Hi everyone, I welcome you once again at Ask the Prakash Defense Academy. दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स लेके आई हूँ जो कि इंग्लिश में पूछे गए हैं इंडियन एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप में. तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के कुछ सिनोनिम्स. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये अपडेट्स आपको डेली मिलती रहेंगी मेरे थ्रू. तो चलिए देखते हैं पहला सिनोनिम्स जो कि है बैरन. देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बैरन का सिनोनिम्स पूछा गया है कि बैरन का मतलब क्या होता है. तो देखिए बैरन होता है एक बंजर जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता हो, जहाँ पर हम खेती ना कर पाएं, जहाँ पर पानी ना हो. तो आप फोटो से देख सकते हैं कि एक जगह है एक रेगिस्तान की जो कि बैरन है. तो बैरन को बोलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर ना कुछ हम उगा सकते हैं, ना ही वहाँ पर हमें पानी मिलता है, एक रेगिस्तान जैसी जगह. तो देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन है गुड, यानी कि कुछ अच्छी चीज़, यानी कि कुछ बहुत अच्छा. होलसम, होलसम का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दे आपकी हेल्थ के लिए, वो बहुत अच्छी हो. देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अनप्रोडक्टिव. अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम बिल्कुल भी खेती ना कर पाएँ, एक ऐसी जगह जिससे हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो. एंड डी है प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल का मीनिंग होता है कि ऐसा कुछ जो कि हमें बहुत सारा पैसा दे, बहुत सारा प्रॉफिट दे. तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो होगा अनप्रोडक्टिव, यानी कि कुछ ऐसी जगह जहाँ से हमें कोई भी प्रॉफिट ना मिल रहा हो, ना ही हमें कोई भी फायदा मिल रहा हो. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अनप्रोडक्टिव. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इनफैमी. स्टूडेंट इनफैमी का मतलब क्या होता है? इनफैमी का मतलब होता है बदनामी, यानी कि कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा इंसान जो कि अपने गंदे कर्मों की वजह से जाना जाता हो. तो आपको यहाँ पर फोटो दिख रही है जो कि दाऊद इब्राहिम की है, जो कि एक टेररिस्ट था. तो इसको, इस फोटो को देख करके आप रिमाइंड कर सकते हैं, आप इजीली याद कर सकते हैं कि इनफैमी का मतलब जो है वो क्या निकलेगा. देन इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है नोटोरिटी. नोटोरिटी का भी मतलब होता है इनफैमी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने गंदे कर्तव्य की वजह से जाना गया हो. देन नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है ग्लोरी. ग्लोरी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ऑनर, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती हो समाज में. जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने जो अमिताभ बच्चन है इनकी फ़ोटो लगाई हुई है, जो कि बहुत ग्लोरी इंसान है, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है हमारे इंडिया के. देन नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो दिया गया है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने फोटो लगाई हुई है ये मदर टेरेसा की थी, बहुत रिस्पेक्टेड एंड बहुत ऑनेस्ट लेडी थी. देन नेक्स्ट है आपका फैमिलैरिटी. फैमिलैरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट अवेयरनेस ऑफ समथिंग. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरप्रेट. इंटरप्रेट का जो मीनिंग होता है वो होता है फियरलेस, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जो किसी से ना डरता हो. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो लगाई है, जो कि बहुत पावरफुल लेडी थी, एक ऐसी इंसान थी जो किसी से नहीं डरती थी. तो इसके ऑप्शन देखते हैं. इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हेजिटेंट. हेजिटेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है डाउटफुल. किसी चीज़ को लेकर के हम डाउटफुल हैं तब हम हेजिटेंट वर्ड का यूज़ करेंगे. फियरलेस का मीनिंग अगेन होता है जो ऐसा इंसान जो कि किसी से नहीं डरता हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर वी, दैट इज़ फियरलेस. लेकिन ये वीडियो जो है वो आपकी वोकैबुलरी के लिए बनाई गई है, एग्जैक्टली कुछ ऐसे शब्दों के लिए जानने के लिए बनाई गई है कि आप उसकी अच्छे से मीनिंग समझें. तो इसीलिए हम सारे जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं जो कि है एक्स्ट्रोवर्ट. एक्स्ट्रोवर्ट का मीनिंग होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की भावनाओं को पूरी अपने शब्दों में बयां कर दे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की फीलिंग सबको जता जता के बता सके, पूरी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है वो लोगों पे स्प्रेड कर सके. तो इसमें मैंने न्यूज़ चैनल के जो हमारे हैं उनकी फ़ोटोग्राफ यूज़ करी है. तो आप देख सकते हैं, आपको रिमाइंड होगा कि एक्स्ट्रोवर्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है. देन रैश का जो मीनिंग होता है, रैश का मीनिंग होता है कि कोई काम बिना प्लानिंग के किया गया हो. तो आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में कोई इंसान है, वो पेड़ जो है वो उल्टा काट रहा है, वो पेड़ जो है अपनी बिना प्लानिंग के काट रहा है. उसको पता नहीं है, इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बिना प्लानिंग के अगर वो कुछ काम करेगा तो उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है. तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रोजिगल.
प्रोडिगल का मतलब होता है स्टूडेंट खर्चीला इंसान, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि अपने सारे पैसे उड़ा देता हो। तो आप इस फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने सारे पैसे जो है वो उड़ा रहा है। इससे आपको रिमाइंड होगा कि प्रोडिगल का मतलब क्या होता है। एग्जीक्लूसिव का मतलब होता है कंप्लीट, फुल। तो आप इसमें देख सकते हैं जो फोटोग्राफ मैंने यूज़ करी है, ये आपको दर्शा रही है कि एग्जीक्लूसिव का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट जो हम ऑप्शन देखते हैं वो है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पहले के क्वेश्चन में भी इस तरीके का वर्ड यूज़ हुआ था फर्टाइल एंड इनफर्टाइल में। तो प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी ज़मीन या कोई ऐसा इंसान जो हमें बहुत सारा प्रॉफिट कमा के देता हो। वेस्टफुल का मतलब होता है कि आप लापरवाही से कुछ चीज़ बर्बाद कर रहे हैं। एंड केयरफ्री का मतलब होता है कि आप बहुत फ्री हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वेस्टफुल। द नेक्स्ट देखते हैं जो कि है परप्रीशियस। परप्रीशियस का स्टूडेंट मतलब होता है क्लियर, कुछ चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे, कुछ चीज़ जो है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में जो कैमरा है वो क्लियरली जो पिक्चर है वो हमें ईजिली दिखा रहा है, ईजिली दर्शा रहा है, ईजिली समझा भी रहा है। तो फिर आप देखते हैं इसके जो ऑप्शन जो कि हैं, पहला ऑप्शन दिया है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है क्लोजली कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, मतलब कि कोई चीज़ जो कि दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। तो इस फोटोग्राफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट यानी कि एग्जैक्ट। एंड ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट यानी कि किसी चीज़ की समरी। एंड क्लियर का मतलब अगेन होता है एकदम साफ, कोई चीज़ हमें जो कि क्लियरली दिखाई दे रही है, एकदम क्लियर है हमारे सामने। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ क्लियर। तो स्टूडेंट ये कुछ सिनोनिम्स थे जो कि मैंने आपको समझाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।